0.5% एक्वस सॉल्यूशन है केसीएल का। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.5% सॉल्यूशन? 0.5% को हम लिख सकते हैं 0.5 डिवाइडेड बाई 100। सो 0.5 हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट एंड 100 हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 0.5 एंड दिस इज इक्वल टू 99.5 ग्राम। अभी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है 272.76 केल्विन। नाउ दिस केसीएल इज डिजॉल्व इन वाटर। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। अब जब केसीएल डिजॉल्व कर दिया वाटर में तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 272.76 केल्विन। मीन्स देर इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। देयरफॉर लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज 273 केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 272.76 केल्विन एंड दिस इज इक्वल टू 0.24। नाउ कैलकुलेट द वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है दैट इज द वैल्यू ऑफ आई। वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाई आई एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ के सी एल एट दिस कॉन्सेंट्रेशन। के एफ वैल्यू फॉर वाटर गिवेन है 1.86। नाउ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। एम इज द मोलैलिटी। अब मोलैलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोलैलिटी की वैल्यू होती है मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। एंड मोल्स ऑफ सल्यूट हो जाएगा वेट ऑफ सल्यूट दैट इज 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। यहाँ सल्यूट क्या है? सल्यूट है के सी एल और के सी एल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 74.5। सो 0.5 डिवाइडेड बाई 74.5 ये हो गया मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। सॉल्वेंट है वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट है 99.5 ग्राम और इसको के जी में कन्वर्ट करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 99.5 डिवाइडेड बाई 1000 के जी। ये हो गई वैल्यू मोलैलिटी की। के सी एल का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम दैट इज 39 प्लस एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन दैट इज 35.5। वन मॉलिक्यूल ऑफ के सी एल में वन एटम ऑफ पोटेशियम एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है। देयरफॉर एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन विल गिव द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ के सी एल एंड दिस इज इक्वल टू 74.5 ग्राम पर मोल। नाउ आई की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 0.24, के एफ की वैल्यू है 1.86। ये हो गई मोलालिटी की वैल्यू। सॉल्विंग आई की वैल्यू आ जाएगी 1.92। नाउ के सी एल डिसोसिएट करता है इंटू के प्लस एंड सी एल माइनस आयन्स। इनिशियली अगर हम 1 मोल ऑफ के सी एल लेते हैं तो बिफोर डिसोसिएशन देर वॉज 1 मोल ऑफ के सी एल एंड पोटेशियम आयन्स वॉज 0, क्लोराइड आयन्स वॉज ऑल्सो 0। बट आफ्टर टाइम टी सपोज एक्स मोल्स ऑफ के सी एल डिसोसिएट्स तो कितना के सी एल बच जाएगा? रिमेनिंग के सी एल हो जाएगा 1 माइनस x मोल्स। मोल्स ऑफ पोटेशियम आयन्स हो जाएगा एक्स मोल्स और मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन्स हो जाएगा एक्स मोल्स। देयर फोर एट इक्विलिब्रियम जो सल्यूट पार्टिकल्स होंगे टोटल सल्यूट पार्टिकल्स हो जाएगा 1 माइनस x प्लस x प्लस x। दिस इज 1 माइनस x इज द मोल्स ऑफ रिमेनिंग के सी एल और अनडिसोसिएटेड के सी एल। एक्स इज द मोल्स ऑफ पोटेशियम आयन्स एंड अगेन एक्स इज द मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन्स। एक्स मोल्स ऑफ के सी एल डिसोसिएट्स टू फॉर्म एक्स मोल्स ऑफ पोटेशियम आयन्स एंड एक्स मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन्स। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हो जाएगा 1 प्लस x। नाउ वैल्यू ऑफ आई इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो ये हो गया 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1.92। तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 1.92। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.92 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0.92। x इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज x इज इक्वल टू 0.92।